देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अभी भी मामले बढ़ ही रहे हैं। दिल्ली इस बीमारी के मार से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन फिलहाल सुकून वाली बात यह है कि दिल्ली में केस डबल होने के मामले 11 दिनों में आ रहे हैं। ऐसे में जब तक कोई दवाई या टीका नहीं आ जाता, तब तक देश वालों को इस बीमारी के साथ जीने के लिए सीखना होगा। ये बातें दिल्ली के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही। मिलाकर अभी तक 5532 केसेज हैं, जिसमें से 428 केसेज कल के एडअप हुए हैं। डबलिंग रेट अभी भी जो कल बताया था मैंने 11 के करीब है, 11 दिन पहले जितना था उसका डबल था। स्थिति तो ये जो कोरोना है ये तो अभी बहुत समय तक रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोरोना कहते हैं ये लगता है कि एक दो महीने में ख़त्म हो जाएगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। तो कोरोना के लिए देखिएगा इतना सारा कुछ किया गया वो इसलिए कि एकदम से किसी को पहले आइडिया ही नहीं था कि किस तरह से ये वायरस बिहेव करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए हमारे देश में और बाकी देशों में कुछ फ़र्क तो है। हमारे यहाँ पर जो इसकी सीवियरिटी है यूरोप और अमेरिका के मुकाबले कम लगती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, दिल्ली में जैसे 5532 पेशेंट हैं, जिसमें से आज की डेट में 3925 एक्टिव पेशेंट हैं, उसमें से सिर्फ 84 लोग जो हैं वो आईसीयू में हैं, और उसमें से भी 12 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। बाकी देशों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग वेंटिलेटर पे होते हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर आईसीयू के अंदर होते हैं। मैं ये बताऊँ कुछ नंबर जो है ना, आप बेस के ऊपर लीजिए रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8% 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ था, उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8% 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। अब आप ये मान लीजिए कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा तो कोरोना आपको अपनी पकड़ में ले सकता है। इसलिए सरकार के बताए गाइडलाइनों का पालन करें और घर में ही रहें।